ये फ़ोन बहुत हीट होता है, इसको रखते हैं फ्रिज में, ठंडा करते हैं 5 मिनट। ये क्लिप है उस टाइम की जब फ़ोन नया नया आया था, इसमें चेक करा तो आते ही 12.5.10 का अपडेट शो कर रहा था। यह अपडेट जैसे ही मैंने डाउनलोड कर लिया, उसके बाद अपडेट अपडेट सब कर दिया, ये अपडेट जब मैंने कर दिया तो उसके बाद तुरंत ही दूसरा एक अपडेट शो करने लगा। चलिए वो भी देखते हैं क्या था। ट्वेल्व पॉइंट फाइव पॉइंट टेन के अपडेट के बाद तुरंत ही इन्होंने MIUI 13 का ग्लोबल वाला अपडेट भी दे दिया था। ये अपडेट करा, सोचा फ़ोन उन अच्छा चलेगा, बट इसके बाद गेम भी बेकार होने लगा, फ़ोन भी ज़्यादा सही नहीं चल रहा था। Poco X3 Pro भी जब मेरा डेड हुआ तो MIUI 13 पर ही डेड हुआ था। पता नहीं क्या MIUI 13 है, बेकार है पूरा। MIUI 13 के साथ इन्होंने एंड्रॉयड 12 फिर से वैसे ही दे दिया जैसे पोको में दिया था। अभी आप लोग देखिए फ़ोन को नॉर्मल बस यूज़ करा, सेटिंग एटिंग ऐप्स खोले और इसमें देखिए मोबाइल नॉर्मल रूम टेम्परेचर में कितना टेम्परेचर हो जाता है, टेम्परेचर हो जाता है 41 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसके बाद चलिए देखते हैं BGMI में कोई चेंजमेंट है, ग्राफिक्स में या फिर सेटिंग्स में कोई चेंज है कि नहीं है, देखते हैं। BGMI मैंने अभी ओपन करा है, अभी भी वो उतना ही टाइम लेता है 30 to 35 सेकेंड्स जितना वो 12.5 वाले अपडेट में लेता था। MIUI 13 में कुछ मतलब चेंजमेंट है नहीं कि मतलब BGMI थोड़ा फास्ट ओपन हो या कुछ। और MIUI 13 के बाद ये नया गेम टर्बो आ गया है इसमें, जो MIUI 13 Poco X3 Pro में मिल रहा था। ये साइड में मल्टीटास्किंग के लिए ऐप्स दिए हुए हैं, BGMI खेलते खेलते आप मल्टीटास्किंग कर लें। और इसमें दो गेमिंग मोड हैं, बैलेंस और परफॉर्मेंस। बैलेंस वाले में पावर सेविंग है थोड़ा टाइप का और इसमें रिफ्रेश रेट थोड़ा लो हो जाएगा। और दूसरा है परफॉर्मेंस मोड, इसमें ग्राफिक्स और रिफ्रेश रेट तो अच्छी रहेगी लेकिन हीटिंग और बैटरी ज़्यादा जाएगी। और एक ये ग्राफिक्स एनहेंसमेंट वाली सेटिंग, इसमें आप कलर और ग्राफिक्स थोड़े ब्राइट और एनहेंस कर सकते हैं, ऐसे ऐसे कलर ब्राइट हो जाएंगे। अब चलते हैं सेटिंग की तरफ, देखते हैं ग्राफिक्स कितने अलाउ करता है। अभी MIUI 13 के बाद भी ग्राफिक्स वही स्मूथ प्लस अल्ट्रा है, 40 FPS ही शो कर रहा है। और ऑडियो में अल्ट्रा सेटिंग इसलिए लगी क्योंकि कॉन्फिग लगा के रखा हूँ मैं अभी खेलने के लिए स्मूथ गेम प्ले। अब बस इतनी देर पबजी BGMI ओपन करके रखा मैंने, फ़ोन का टेम्परेचर देखिएगा आप लोग कितना हो जाता है। BGMI के बाद टेम्परेचर ज़्यादा था 45 डिग्री। अब रखते हैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में 5 मिनट के लिए। पाँच मिनट पूरे हो गए, फ़ोन को निकाल के देखते हैं टेम्परेचर कितना ड्रॉप होता है फ्रिज में रखने के बाद।